हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम बचा है और मैं ऐसे ही आशा करता हूँ कि अगर आप मॉक्स लगा रहे होंगे तो वो काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। और जस्ट मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि अगर मॉक्स लगा रहे हैं वहाँ पे आपके नंबर कम भी आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर आपको हाइपर नहीं होना है, ना भी आपको परेशान होना है। आपको जस्ट ये फोकस करना है, आपको ये देखना है कि आपके रैंक और आपके जो परसेंटाइल है ना वो कितने आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो जो टेस्ट का लेवल रखते हैं ना, थोड़ा सा कभी टेस्ट का लेवल बहुत हाई रखते हैं, कभी कभी बहुत लो रखते हैं, कभी कभी मीडियोकर रखते हैं, ठीक है। तो उससे आपको वहाँ से आप नहीं कह सकते कि आप देखो, क्योंकि अगर टेस्ट टफ आएगा तो आपको ये लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं किया है। अगर टेस्ट बहुत आसान आएगा तो आपको लगेगा कि आपको अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, आप पढ़ना शुरू कर लोगे। और आप अगर मिडल में आ रहा है तो आपको ये लगेगा यार मेरी तो तैयारी ही नहीं हो रही है, मैं तो बस एक जगह अटका हुआ हूँ, मेरे ना मार्क्स बढ़ रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो बस ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो जस्ट आपको इस पर फोकस करना है कि आपके जो मार्क्स है ना उसमें ये देखो कि आपकी जो रैंक कितनी आ रही है। अगर आप 1000 बच्चों में दे रहे हो ना तो आपकी जो रैंक है ना कोशिश करो कि 50 से 100 के बीच में रैंक आपकी बन जाए, ठीक है। और तो उससे आपके जो परसेंटाइल लगे वो हमेशा 19 प्लस के ही ऊपर आएंगे। तो जस्ट फोकस आप करिए परसेंटाइल और रैंक पर, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। क्योंकि मैं जब मॉक लगाता था तो मेरे हमेशा ही ऐसे आते थे, ठीक है। कभी कभी होता था कि 80-85 हो जाते थे, वरना मेरा 19 प्लस के ऊपर ही परसेंटाइल आते थे। और मॉक्स जो मेरे आते थे, जो नंबर आते थे, वो 17 प्लस के ही ऊपर आते थे, ठीक है। हाँ, होता है कभी कभी 55 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। वो टफ होता है, मतलब वो लेवल डिफिकल्ट रहता है मॉक का, ठीक है। तो जस्ट आप इसी पे फोकस करिए कि आपके मॉक्स में जो है ना परसेंटाइल अच्छे आ जाए, रैंक अच्छी आ जाए। मैं तो उसी को देखो मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड ग्रुप डी एग्जाम 2018 एंड आई हैव गॉट 70.79 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ऑन द बेसिस मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ी सी बता सकता हूँ कि आप किस से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आप जाके मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई से लेकर रिलेटेड बताया हुआ है कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी के, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने खुद के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब आप मॉक लगाओगे उसके बाद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। और मॉक पर मैंने डिटेल्स वीडियो अभी डालने वाला हूँ, ठीक है, एक दो दिन में मॉक की फुल वीडियो मैं डाल दूंगा। तो फॉर फर्दर अपडेट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, ठीक है। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप पढ़ाई में लगे रहो, ठीक है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए करो, ठीक है, उनको देखो, उनको खुशी के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि आप अगर सबसे जुड़ोगे ना तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। बस आप ही के लिए जीते हैं कि आप एक दिन सफल हो जाओ तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, उनके अंतरात्मा से जाकर पूछना, वो तो यही कहते हैं कि हाँ आप तो मेरी जिंदगी जी ली, अब मुझे भगवान उठा भी लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। उनके अंदर से ये आवाज़ आती है, क्योंकि वो सारा जीवन लगा देते हैं कि कब मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, कब उसको जल्दी से नौकरी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले आने वालों एक दो महीने में आप खूब मेहनत करोगे और आने वाले 6 महीनों के अंदर आप किसी न किसी स्टेशन पर तैनाती ले लोगे, ठीक है। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी समस्या आ रही है वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करने लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।